नमस्कार, मैं हूं सौरभ सुमन। आप देख रहे हैं द स्कूल ऑफ बेस। आज बात कर रहे हैं स्कूल ऑफ बेस के कोर्स के बारे में, जो फोकस्ड है बिगिनर्स पर। स्टेप बाय स्टेप कोर्स है, बिल्कुल काफी कुछ सीखने वाले हम इसमें, जैसे कि टेक्निक और म्यूजिकल कॉन्सेप्ट्स, और हर चीज को इमीडिएटली अप्लाई करेंगे गानों में बैकिंग ट्रैक्स के साथ में। ठीक, तो बैकिंग ट्रैक के साथ जब आप कुछ अप्लाई करेंगे, आपके सिस्टम में अच्छी तरह बैठ जाएगा और हम आगे अच्छी स्पीड से बढ़ पाएंगे। ये कोर्स फोकस्ड है बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, और आपको कोई भी प्रीवियस नॉलेज, पहले कुछ पता नहीं है अगर बेस के बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये कोर्स कर सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं सब कुछ। मैं आपको कोर्स में ले चलता हूँ और दिखाता हूँ इस कोर्स के अंदर क्या क्या है। तो अगर आप अभी डिसाइड कर रहे हैं आपको कौन सा बेस गिटार लेना है, कौन से बेस गिटार अच्छे हैं बिगिनर्स के लिए, उस बारे में बात करेंगे। अच्छे बिगिनर बेस एम्प्स के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कौन कौन से एम्प्स अच्छे हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एम्प नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो उसके अलावा क्या चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और हेडफोन्स के साथ में यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात करेंगे बेस गिटार के सारे पार्ट्स के बारे में, किस पार्ट का क्या नाम है, बेस स्ट्रिंग्स के क्या क्या नाम होते हैं अलग अलग बेसिस पर, एम्प की सेटिंग्स कहाँ पे रखनी चाहिए प्रैक्टिस करते हुए, बेस गिटार की सेटिंग्स कहाँ पर रखनी चाहिए प्रैक्टिस करते हुए, और बात करेंगे बेस को ट्यून करने के तरीकों, ऐप यूज करके, क्लिप ऑन ट्यूनर यूज करके, और एक पेडल यूज करके। राइट हैंड को इस्तेमाल करने का सही तरीका, फिंगर से कैसे स्ट्रिंग्स को प्लग करना है, कितना प्लग करना है, लेफ्ट हैंड को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किस शेप में रखना है, ताकि हम आराम से बजा पाए। प्रैक्टिस रूटीन कैसे बिल्ड किया जाता है उस बारे में बात करेंगे। फ्रेटबोर्ड को याद करेंगे एक शॉर्टकट से, एक मेथड से, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना सीक्रेट। हम सीखेंगे क्वार्टर नोट्स, एट नोट्स, सिक्सटीन्थ नोट्स क्या होते हैं, कोनोकोल यूज करके कैसे टाइम को काउंट करते हैं, और फिर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। हम सीखेंगे मेजर स्केल शेप्स, मेजर पेंटाटोनिक शेप, माइनर स्केल शेप्स और माइनर पेंटाटोनिक शेप्स, फिर इन सब चीजों को कंबाइन करके प्रैक्टिस करेंगे एक बैकिंग ट्रैक के साथ। कॉर्ड चार्ट कैसे पढ़ा जाता है उस बारे में बात करेंगे, सारे साइंस सीखेंगे, सिंबल सीखेंगे, उनका क्या मतलब होता है, मेजर ट्रायड्स, माइनर ट्रायड्स, और कैसे इस्तेमाल करके उनको कॉर्ड्स बनती हैं, फिर ये सब कंबाइन करके इस्तेमाल करेंगे एक गाने में माइनर पेंटाटोनिक्स, ट्रायड्स और बाकी सब चीज़ें। तो अगर आप अपनी बेस प्लेइंग को बेटर बनाना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, एंजॉयमेंट के साथ सीखना चाहते हैं, खुशी के साथ सीखना चाहते हैं, मस्ती के साथ सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और एनरोल कर दीजिए कोर्स को। मैं आपसे मिलता हूँ कोर्स के अंदर। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू वेरी सून।